आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत ने केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद साधा शब्द बाण, कहा पिछले 10 साल में एनडीए की सरकार ने कई अच्छे काम किए लेकिन मणिपुर पिछले साल से शांति की राह तलाश रहा है और उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई, अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई एनडीए। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, इन मानकों को मानती है जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही, सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है, दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए, जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। नागपुर में हुए एक सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव प्रचार की तारीखों के पर भी दागे शब्दों के बाण, कहा चुनाव जीतने के लिए झूठ का इस्तेमाल करना ठीक नहीं। आरएसएस चीफ ने कहा कि इस बार भी चुनाव में खूब झूठा प्रचार किया गया, आरएसएस को लेकर भी कई झूठी बातें फैलाई गई जो सही नहीं है। जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गट बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और बिना कारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया, टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया, ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग? संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लें, उसके लिए स्पर्धा चलती है। इस स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। पीएम मोदी ने पदभार संभालते ही किसानों के हित में पहला फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने फाइल पर साइन के बाद पीएमओ के कर्मचारियों को संबोधित किया और कहा कि पीएमओ देश के 140 करोड़ लोगों का पावर स्टेशन सेंटर है और वो चाहते हैं कि पीएमओ देश के हर नागरिक के लिए काम करे। दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है, न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे,
और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठकर के कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है, उस भाव से मैं काम करता हूं। मोदी ने पीएमओ की टीम को एक बड़ा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि वो ना रुकने वाले ना थकने वाले, इसलिए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी ऐसे ही लोग चाहिए जो बिना रुके बिना थके विकसित भारत बनाने के लिए काम करें। हम वो लोग नहीं है कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है इतने बजे पूरा होता है, हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं है, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है वही तो मेरी टीम है, और वही टीम पर देश को भरोसा है। 10 साल में बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 10 साल से मुझे जेल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो शायद अब जेलना शुरू करेंगे, कुछ लोग होंगे साहब बहुत हो गया अब कहीं और जाए तो अच्छा होगा, जो जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आपने इतना किया इसलिए धन्यवाद है। जो आना चाहते हैं अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके जो मन भाव से खप जाना चाहता है 5 साल, आइए निमंत्रण है। और हम मिल करके दोस्तों एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है मेरा पल पल देश के नाम है, और मैंने ये भी वादा किया है देश को 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं। पीएम मोदी ने विदिशा से चुनाव जीतकर शिवराज सिंह चौहान को कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। विभाग तय होते ही शिवराज सिंह चौहान भी एक्टिव हो गए। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड आपकी मुख्यमंत्री काल में मिला, बड़ी जिम्मेदारी सर? हर जिम्मेदारी बड़ी ही होती जी। तो क्या प्लान बनाया जाएगा सर, कुछ बनाएंगे सर? प्लान पहले से ही तैयार है, सरकार में कंटिन्यूटी होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही किसान कल्याण के काम में लगी है, और अपने संकल्प पत्र में भी हमने जी अपने संकल्पों को दोहराया, वही पूरा करेंगे। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन गई, कैबिनेट ने शपथ भी ले ली, पर विपक्षी दल अब भी अपनी हार में जीत खोज रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि अगर बिहार और आंध्र में बीजेपी और उसके साथियों को जीत नहीं मिली होती तो आज मोदी सरकार नहीं बन पाती। ये जो अभी चुनाव हुआ है ये उनको 5 साल पहले मिले समर्थन की तुलना में बहुत अलग है। उनके संसद सदस्यों की संख्या कम हुई है और ऐसी स्थिति बन गई है कि अब उनको संसद में बहुमत के लिए तेलुगु देशम और जेडीयू के भरोसे रहना पड़ेगा। यानी आंध्र और बिहार जैसे राज्यों में अगर जीत इनको नहीं मिली होती तो आज ये सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते। वहीं कांग्रेस को कुछ और नहीं मिला तो वो सरकार के नोमेन कल्चर को लेकर ही सवाल उठाने लगी। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये मोदी की नहीं एनडीए की सरकार है, ये सरकार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिकी है। पहली बात तो ये मोदी 3rd नहीं है, ये एनडीए 3 है। अब मोदी जी हर चीज में अपना नाम डालना चाहे तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये एनडीए 3 है, और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो जरा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या एनडीए 3 कहेंगे। नंबर 2, शायद इसका संदेश मोदी जी को समझ में आ जाए कि जो जो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को या नेहरू जी को या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, और अब मजबूरी में
नरेंद्र मोदी को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। आने वाले कुछ महीने या जितने भी महीने मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, कम से कम अपना जो राजनीतिक एक सभ्यता संस्कृति होनी चाहिए उसका निर्वहन करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। नंबर तीन, जो हिंदू मुस्लिम की बात सबसे ज़्यादा करते थे अनुराग ठाकुर, उनको भी इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था, जिस दिन आप लोग कह रहे थे कि गठबंधन ये नरेंद्र मोदी हैं, ये अपने कैबिनेट तक को एक फ़ोटो फ्रेम में बर्दाश्त नहीं करते, अकेले फ़ोटो फ्रेम में रहने वाले की जो आदत जिसको हो जाती है, वो गठबंधन की सरकार कैसे चलाएगा, वो दो लोगों को साथ लेकर कैसे चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा।